कौन होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस, कब तक होगी आपकी शादी, किससे होगी। आज इस रीडिंग में हम पता करने वाले हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगी या कौन होंगी। यहाँ पे मैंने आज पिक अप स्टोन रीडिंग कर रही हूँ मैं, यानी कि दोनों पाइल में से आपको कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेनी है अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर आप इंट्यूशन या फिर कहूँ कि आप चुनना नहीं जानते हैं किस तरीके से पाइल चुनी जाती है, तो आप यहाँ पे दोनों रीडिंग सुन सकते हैं, यानी कि दोनों पाइल सुन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी पाइल आपसे रेजोनेट हो वो आपको रख लेना है। ओके, सो यहाँ पे पहला जो पाइल है वो है ग्रीन स्टोन। ओके, ये है आपका पहला पाइल, ये है आपका सेकेंड पाइल पर्पल स्टोन। सो आपको कोई भी एक स्टोन यहाँ पे चूज कर लेना है, वन एंड टू। ओके, सो बिना किसी देरी के यहाँ पे जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके इंट्यूशन का है। ओके, अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बिना किसी डाउट के आप दोनों सुन सकते हैं। ओके, सो बिना देरी के शुरू करती हूँ मैं आपकी पहली पायल से। वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल हीलिंग विद टैरो, मैं हूँ शिवांगी श्रीवास्तव। जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस वीडियो को लेकर ज़रूर बताएं। चलिए मिलती हूँ आपसे पायल फर्स्ट में। हेलो पायल फर्स्ट, इन्होंने भी ये वाला स्टोन ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है। चलिए बताती हैं कि आखिर आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। जो इंट्यूशन मैसेज मुझे मिल रहा है, हो सकता है मेडिकल फील्ड से हो आप या आपके फ्यूचर स्पाउस, या तो डॉक्टर हो सकते हैं, वार्ड बॉय, नर्स, ऐसा कुछ काम हो सकता है उनका, लेकिन मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते होंगे। ठीक है, किसी तरह के दवाइयों से जुड़ा भी काम हो सकता है, मेडिकल स्टोर वगैरह में भी, लेकिन हाँ यहाँ पे मेडिकल से जुड़ा कुछ काम मुझे दिख रहा है वाइट कोट एक तरीके से। लेट्स सी टैरो से क्या आता है आपके लिए, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसी होंगी या कैसे होंगे। लेट्स सी, गाइस यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की शादी आपके फैमिली फ्रेंड से भी हो सकती है, आपके फादर के जो फैमिली फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो पापा के जो दोस्त होंगे, अगर आप दोनों सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि आपकी जान पहचान में आपकी शादी हो, या फिर आपके फादर के फ्रेंड के घर में आप बहू बनकर जाएं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके आपको कोई जान पहचान का व्यक्ति जानता है जिसे आप भी जानते हो, आप उसे भी, आप भी उसे बहुत पसंद करते हो, मे भी वो भी आपको बहुत पसंद करती है या करता है, तो हो सकता है कि आपकी शादी इस तरीके से हो, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। बाकी टैरो तो है ही, हम देखने वाले हैं अभी क्या आने वाला है सरप्राइज आप लोगों के लिए। ओके, सो पहला कार्ड है आपका थ्री ऑफ पेंटिकल और साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके, पाइल फर्स्ट की शादी किससे होगी, कैसे होंगे या होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी। ओके, जजमेंट, प्लीज रिवर्स पाइल फर्स्ट के लिए मैसेजेस दें। सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वंड्स,
ओके पहल फर्स्ट, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जोडिक साइन की। यहाँ पे है आपका अर्थ साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉन, वाटर साइन कैंसर, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो, एयर साइन जेमिनी, लीप एंड एक्वेरियस, एंड फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यहाँ पे मौजूद है। सो यहाँ पे जो मैं रीडिंग देख सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट के अकॉर्डिंग शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है पैल्फर, जिसके साथ आप वर्क करते हैं, जिसके साथ जॉब करते हैं या फिर टीम वर्क करते हैं। आप ऐसे कुछ लोग सोशल वर्कर हो सकते हैं, या फिर कोई समाज से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हैं, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे ऐसी कि जिस भी इंसान से आप जुड़े हुए होंगे, यानी कि हो सकता है कि आपके किसी के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ग्रुप में से ही कोई हो, यानी कि शायद हो सकता है कि आपका इस इंसान पे ध्यान ना हो, आप अपने वर्क में मशरूफ़ हैं, वो इस इंसान वो अपने काम में बिज़ी हैं, और इसके बाद जो है मे बी फैमिलीज़ के थ्रू आप दोनों की शादी होगी। यहाँ पे मैं नहीं देख सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार इश्क मोहब्बत ऐसा कुछ है, बट यहाँ जो मैं देख सकती हूँ थ्री ऑफ पेंटिकल से, हो सकता है कि आपके ग्रुप में से ही कोई व्यक्ति हो, या फिर आपके ऑफिस में आपकी टीम में कोई व्यक्ति हो, ठीक है। जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगी या होंगे, वो आपको डेस्टिनी से मिलेंगे, यानी कि जो भी पार्टनर आपके होने वाले हैं, ये इंसान आपके लिए बेहद लकी होंगे, और आने वाले टाइम में ये इंसान आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। अगर आपके अभी कोई काम नहीं बनते हैं, बनते बनते रुक जाते हैं, आपको धोखा मिलता है, आपकी मैरिज फिक्स होते होते कैंसिल हो जाती है, आपको कोई भड़काने वाला बीच में आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस इंसान से आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है शादी, वो इंसान कांच के कच्चे नहीं होंगे, बहुत समझदार होंगे। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आपके फ्यूचर स्पाउस के आने से पहले आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो चीटर्स होंगे, धोखेबाज होंगे, जिन्होंने आपकी लाइफ को भी स्पॉइल किया होगा, आपकी फैमिली को भी बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हुई, और जहाँ पर रिश्ते की बात चल रही है वहाँ पर भी कानाफूसी करे बिना ये नहीं रहे होंगे। पर उसके बावजूद भी वो सारे रिश्ते जहाँ पर कानाफूसी हुई है, वो आपके डेस्टिनी में नहीं थे, इस वजह से शायद वहाँ पर यूनिवर्स ने उस इंसान को माध्यम बनाकर भेजा, आप वहाँ पर कोई कर्मा क्रिएट ना करें, बस उस इंसान को डेस्टिनी समझ कर एक्सेप्ट करें, क्योंकि आने वाला जो कुछ भी हुआ, वो इंसान जितने भी रिश्ते आपके टूटे भड़काने की वजह से, या फिर जो कुछ भी रिलेशन आपकी लाइफ में आए वो ख़राब हुए, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था। ओके, अब जो आएगा फाइनल वाला, वो टेन ऑफ पेंटिकल लेकर आएगा, टू ऑफ कप्स लेकर आएगा, और सबसे बड़ी बात, ये प्रपोजल खुद से मिलेगा। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, इस रिश्ते को आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रिश्ता ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। और ये रिश्ता आप खुद फाइनल करोगे कब, जब आपकी लाइफ में पास्ट के सारे इश्यूज क्लियर हो चुके होंगे, या फिर कहूँगा आपका पार्टनर तभी आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर स्पाउस तभी आपकी लाइफ में आ पाएगा जब अपने पास्ट के सारे इश्यूज को आप क्लियर कर दोगे। ओके, ये तो शादी होगी, ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग बनेगी। एस ऑफ वॉन्स यहाँ पर है, क्वीन ऑफ वॉन्स यहाँ पर है, तो मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में चेंजिंग होगी, बड़ी बड़ी चेंजिंग होगी आपकी लाइफ में, और आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे अपनी लाइफ में, आपको लगेगा कि भाई एक भगवान का रूप मिल गया है मुझे, मैं मिल गई है। बहुत धार्मिक होंगी आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, बहुत ईश्वर को मानते होंगे, सेल्फ लव में उनको बहुत महारत हासिल होगी, फैमिली की केयर करना बहुत अच्छे से आती होगी, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है इसमें भी उनको काफ़ी महारत हासिल होगी। कभी भी पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने देंगे, और कभी भी प्रोफेशनल की वजह से पर्सनल में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने देंगे, मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहेगा। एक तरीके से टेम्परेंस की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है, तो सब कुछ बैलेंस करके चलने वाले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी संभालना, परिवार को भी संभालना, नौकरी को भी संभालना, हस्बैंड को भी संभालना, वाइफ को भी संभालना, ये सब कुछ उनको आता होगा, ठीक है। और उस इंसान के मिलने के बाद आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के मिलने के बाद आपकी अवेकनिंग हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। किसी किसी की यहाँ पे इंगेजमेंट हो चुकी है, मुझे चैनल मैसेज मिला है पायल फर्स्ट में, किसी किसी की इंगेजमेंट हो चुकी है, और आप जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे शादी के बाद, मैं आपको बता दूँ बहुत केयर करेंगी। अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी जो मंगेतर है मेल फीमेल, वो बहुत केयर करेंगी, मेल भी बहुत केयर करेंगे, आप दोनों हो सकता है कि कुछ कुछ दिन के अंतराल से बाहर घूमने जाएं, या फिर शादी के बाद या फिर पहले भी, ठीक है। डेटिंग चलती रहेगी, लॉन्ग ड्राइव चलती रहेगी आप दोनों के बीच में, बेहद प्यार रहेगा, रिस्पेक्ट बहुत रहेगी दोनों की तरफ से, और लॉज भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देंगे, बशर्ते यहाँ पे आपको थोड़ा सा सास का, आप अगर आप मेल देख रहे हैं तो भी, फीमेल देख रहे हैं तो भी, आपकी सास या किसी किसी की, मेल के लिए काफ़ी आपकी भोली हो सकती हैं,
और किसी किसी के लिए फीमेल की भोली हो सकती है, लेकिन किसी किसी के लिए आपको अपनी सासुमा का दिल जीतना पड़ेगा। वो कैसे है ये आप जानेंगे, उनको क्या पसंद है भाई, हर किसी की डिमांड अलग अलग रहती है। किसी को टेस्टी खाना पसंद होता है, किसी को बैनिशमेंट अच्छा लगता है, किसी को तो साफ़ सफाई अच्छी लगती है, किसी को सब चीज़ चाहिए होती है। तो भाई फिर आप देखें भाई किस तरीके से आप दिल जीतेंगे अपनी सासू माँ का, किस तरीके से जीतेंगे आप, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी आपके फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं बात कहूँ तो बहुत बढ़िया होंगे, स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, और अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट इशू रहा है तो वहाँ से निकल के आप आएंगे। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पास्ट रहा है उनका, तो वहाँ से निकल के वो आपकी तरफ आएंगे। और एक तरफ अगर मतलब एक बार अगर वो आपकी तरफ आए तो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बिकॉज वो उस तरह के इंसान नहीं है जो बार बार पीछे जाए। एक बार न्यू बिगनिंग हुई तो शादी में सारे एफर्ट लगा देंगे। चलिए अभी आउटकम देखते हैं क्या आता है आपके लिए। चैरियट, एट ऑफ वंड्स, ओके आप में से कुछ लोगों की शादी जो होगी ना वो वाह वो आउट ऑफ कंट्री हो सकती है, बिकॉज चैरियट कार्ड यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी शादी जहाँ पर भी आपका होम टाउन है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होगी। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपके जो इन लॉज होंगे वो आपके होम टाउन से बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा वहाँ पर 8 से 9 या 10 घंटे का, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर कोई और टाउन है जो भी है यहाँ पर, मैं देख सकती हूँ कि आप यहाँ से अपने मतलब जो आपके लॉज होंगे वो आपके देश से दूसरे देश में रह सकते हैं या फिर दूसरे प्रदेश में रह सकते हैं, जो भी है मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। लेकिन ये शादी जो भी होगी ये बहुत जल्दी होगी आपकी शादी, जैसे ही आपकी बात चलेगी कहीं पर या फिर आप जिसको भी चाहते हैं जब उस इंसान से आपकी बात चलेगी, तो ये मैं देख सकती हूँ कि जल्दी जल्दी बातें होंगी और जल्दी जल्दी सब कुछ फिक्स होगा और अचानक से शादी हो जाएगी करीबन 10 से 15 दिन के बीच में। ओके और फिर नाइट ऑफ सोर्स है, तो नाइट ऑफ सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ओके जहाँ पर भी आपकी बातें चलेंगी या फिर कहूँगी आपके दोनों की फैमिली के बीच में, ठीक है। आप में से काफ़ी पाइल फर्स्ट आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर या फिर सोलमेट, लेकिन जो भी होगा आप लोग में से काफ़ी लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि आप जो मेल देख रहे हैं यहाँ पर, आप अपने फीमेल पार्टनर से जब मिलोगे तो बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में अटैचमेंट हो जाएगा और ये अटैचमेंट बहुत जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई शादी करनी है, फिर फैमिली में बात चलेगी, फैमिली में बातें हो जाएंगी और जो कुछ भी मुझे लगता है यहाँ पे कुछ इश्यूज़ होंगे, बट हाँ अगर कुछ मान लीजिए इश्यूज़ होते भी है कास्ट का रिलीजन का जो कुछ भी यहाँ पे हो रहता है वो आप मैनेज कर लोगे। ओके ओके सो यहाँ पे जो कुछ भी होगा एट ऑफ कप से और चैरियट कार्ड से आप बाहर जाओगे या फिर अपने होम टाउन से कहीं दूर जा सकते हो। चैरियट कार्ड से बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू होगी, ट्रैवलिंग यानी कि मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, फाइनली आप दोनों जो है यहाँ पे मिलकर विवाह शादी कर सकते हैं आपस में। ओके सो पाइल फर्स्ट ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।
हेलो पालतू, जिन्होंने भी ये वाले स्टोन को, पर्पल कलर के स्टोन को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कैसे होंगे फ्यूचर स्पाउस आपके, कौन होंगे फ्यूचर स्पाउस, कब तक आप मिलेंगे या मिलेंगे उनसे, चलिए देखते हैं। कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस? Let's see. Pile first. Oh, sorry, pile second. आप में से कुछ लोगों ने दोनों पाइल चुनी हो सकती हैं। पाइल सेकंड, ओके, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जोडियक साइन की। यहाँ पे है आपका फायर साइन एरीज, लियो सजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, फायर साइन एरीज, लियो सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, पाइसेस स्कॉर्पियो, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन में एक्वेरियस है भी आपका बॉटम। ओके ओके, सो पाइल टू, आप ऐसे कुछ लोगों की हो सकता है लव मैरिज हो यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्स है यहाँ पर आपका और टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्स बताता है कि आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर पहले आपके फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग होगी, सेपरेशन होगा, फिर मीटिंग होगी एंड देन फिर आगे बात बढ़ेगी कमिटमेंट के लिए। किसी के लिए यहाँ पे दो बार आपका सेपरेशन होगा एंड थर्ड बार में जो आपका यूनियन होगा फिर आपकी बात शादी के लिए चलेगी और फिर आपकी लव मैरिज होने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि इंसान पास्ट में आपको छोड़कर गया था या फिर आपने इस इंसान को छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि यहाँ पे या तो किसी को मिसगाइड किया गया था, यानी कि कुछ गलत बातें कही गई थी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने छोड़ा हो या फिर उस इंसान ने किसी और की बातों में आकर छोड़ा हो, लेकिन हाँ यहाँ पर किसी न किसी कारण की वजह से किसी न किसी को छोड़ा गया है। वो कौन है छोड़ने वाला मुझे तो नहीं इतना पता है, लेकिन हाँ या आप या आपके पार्टनर दोनों में से जो भी हैं, अभी आपको लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है यूनियन, बहुत मुश्किल है एक दूसरे के पास जाना, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें गौर से कि फाइव ऑफ पेंटिकल की जो कार्ड है यहाँ पर, ये डोर है, दरवाज़ा है, ये चाबी है, चाबी का लॉक है, बट ये जो लड़की है वो ये सोच रही है कि नहीं, इस इंसान से बनेगा नहीं, ये नहीं कर सकती, इसके बस में नहीं है दरवाज़ा खोलना, बल्कि ये कर सकती, चाबी सामने ही है इसके, लेकिन फिर भी ये देख नहीं रही है उसको। तो आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे उस पार्टनर को जैसे मैनिफेस्ट में कर रही हूँ, उस इंसान तक पहुँचना मेरे लिए इतना एक टास्क से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि भाई उस राज की चाबी, उस जो भी सोच रहे हैं आप, इतना बिगेस्ट आप सोच रहे हैं, उस चीज़ की चाबी आपके हाथ में है, लेकिन आप शायद उसको काफ़ी बड़ा समझ रहे हो। आपको यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल वे पे जाके सोचना है। आप पे इतना 24 घंटे अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो वो चीज़ एक्चुअल में काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगी, शायद उतना अच्छा काम भी ना करे, इतना अच्छा परफॉर्म भी ना करे जितना कि एक्चुअल में होता चाहिए था। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग ना करें,
जो कुछ भी हुआ ईस ऑफ वॉन्स के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़े और मैनिफेस्टेशन में लग जाएं कि जो भी आप चाहते हो टू ऑफ कप्स या फिर क्वीन ऑफ कप्स, ये चीज़ें आपको मिले इक्वल गिव एंड टेक के साथ में आपको क्वीन ऑफ कप्स मिले। कभी कभी ब्लूपर हो जाते हैं। तो डेथ कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये शादी आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएगी, आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगी आपकी लाइफ में। और यहाँ पे नींद पूरी करें आप। वैसे कुछ लोग नींद पूरी नहीं करते, या तो रात भर जागते हैं या फिर जाग के सोचते हैं या फिर लेट नाइट सोते हैं। तो ये जो कुछ भी आपका ये सिस्टम है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, बिकॉज मुझे चैनल मैसेज मिला है कि आप में से कुछ लोग अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ टेंशन त्याग दें, जो होगा डेस्टिनी पे छोड़ें, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा हुआ है ऑलरेडी नाम, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैनिफेस्टेशन लगातार करते रहें, लेकिन कौन मिलेगा इस बात की चिंता छोड़ दें। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में लव मैरिज है, या फिर कहूँ कि अरेंज होगी भी तो वो लव से कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्यार बहुत होगा, केमिस्ट्री बड़ी मस्त होगी, इंटीमेट जो टाइम होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में वो बहुत बेहतर होगा, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स है। नाइट ऑफ वॉन्स तो होता ही फायरी है, एस ऑफ वॉन्स है, नाइट ऑफ वॉन्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो जो मीटिंग होगी आपकी, जो यूनियन होगी आप दोनों की, बहुत इमोशनल होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल और फायरी। तो बहुत ही अलग स्पिरिचुअल लेवल पे लेकर जाएगा आपको ये रिलेशनशिप। और जब भी आप अपने पार्टनर से शादी करके मिलेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हो, फ्यूचर स्पाउस, मेल फीमेल जो भी हो, उन्होंने कभी किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए होंगे, क्योंकि चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है। तो ये जो अटैचमेंट आप दोनों के बीच में होगा, ये जो रिलेशन होगा आपका शादी के बाद, ये आपको स्पिरिचुअल लेवल तक लेके जाएगा। स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म तक आपको लेके जाएगा, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो जाओगे। मोह माया ये सब क्या होता है, यू नो, उन सब से आपका पीछा छूट जाएगा, आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे माई लव, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी तक लेके जाएगी आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग करेगी, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे बड़े बड़े। और हो सकता है कि शादी के बाद आप कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ले अपने लाइफ में, यानी कि जो कोई भी तैयारी आप कॉम्पिटिशन की कर रहे थे, जिस भी चीज़ की कर रहे थे, वो आप फाइनली अपने लाइफ में गेन करें, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी लक बहुत अच्छा साथ देता है पार्टनर की वजह से, ऐसा मैंने देखा है। तो या ये लक बहुत मतलब लकी होगा आपके लिए, आपका या होगी फ्यूचर स्पाउस आपकी, जो भी होने वाली है वाले हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल एक तरीके से मैं देख सकती हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड है, तो डेथ कार्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और ड्रीम मे बी आपको यहाँ पे ड्रीम में दिखाई देंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस, या फिर कहूँ कि उनकी जो भी क्वालिटीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस में भी आपको ड्रीम से पता चले कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। बिकॉज यहाँ पे मुझे डेथ कार्ड को देख के ड्रीम्स पता चल रहा है। अगर आप यहाँ बीच में देखें तो तरीके से ब्रह्मांड वाली एनर्जी, जो यूनिवर्स वाली एनर्जी होती है ना, वो मिल रही है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों को आपकी ड्रीम्स में पता चलेगा कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आई थिंक आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, आप थोड़ा मैनिफेस्ट करें। अगर आपके ड्रीम में कोई एंजल नंबर दिखाई देता है, तो गॉड से देखें कौन सा एंजल नंबर दिखाई देता है, ठीक है। और कौन दिखाई देता है, कौन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है ड्रीम में, कौन आपको प्यार करने की कोशिश कर रहा है, किसके साथ इंटीमेट हो रहे हो, या फिर किसे आप बुला रहे हो, किसके पीछे आप हो, किसे देख रहे हो, कौन आपको देख रहा है, ये सारी चीज़ें आप ड्रीम की नोटिस करें। हो सकता है कि वो जो इंसान आपको ड्रीम में दिख रहा है वही हो आपका फ्यूचर स्पाउस, ओके। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि कोई जो इंसान ऑलरेडी मैरिड है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो कभी कभी आप ये ओवर थिंकिंग भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान को सेव कर देती है, और फिर वही इंसान आपको रात में ड्रीम में दिखाई देता है। तो आपने इच्छाओं को ड्रीम ना समझे। सो बी केयरफुल गाइस, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ये आपको सपने देखने हैं, ओके। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं और दोनों में से कोई एक आए, या फिर दोनों आ जाए, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो बी केयरफुल, यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, ओके। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, काफ़ी स्टेबिलिटी होगी इस रिलेशनशिप में आपके लिए, ये मैं देख सकती हूँ। ओके, सो पाइल टू, जो जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर,
और जो टैरो आ रही हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों की केमिस्ट्री, बेडरूम केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहने वाली है, बिकॉज बॉटम में जो कार्ड है वो है आपका डेविल एंड एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स अपने आप में इंटीमेट को शो करता है, यानी कि प्यार में दो कपल्स के बीच में गर्मजोशी को शो करता है। यहाँ पे है आपका डेविल एंड एस ऑफ वांड्स। ये जो एक तरीके से मैसेज है वो क्लियर है कि आपकी लाइफ में वो जो इंटीमेट टाइम रहने वाला है उससे शायद आपको हीलिंग मिलेगी। आपने अपने लाइफ में जो कुछ भी पेन देखे हैं, सेपरेशन, धोखे धड़ी, दोस्तों में, प्यार में, रिश्तेदारों में, काम में, हर एक जगह पे आपने धोखा देखा है। जब आपकी शादी होगी और आपके जो पर्सन होंगे, हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत स्पिरिचुअल हों, और उस इंसान से कनेक्ट होने के बाद आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं, या फिर आपकी अवेकनिंग हो, या फिर आपकी हीलिंग हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि वो इंटीमेट टाइम कोई ऐसा नहीं है कि भाई बस हो गया और होता ही रहेगा, नहीं, वो जो एक मोमेंट है वो डेस्ट टाइम है, क्योंकि वो चीज़ आपको हीलिंग देगी फॉर लाइफ टाइम। आप अपने आप को पहचानोगे, आप अपने अंदर की स्पिरिचुअल जर्नी को पहचानोगे, आप कौन हैं आप ये पहचानोगे। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर के साथ में आपको एक प्राइवेट मोमेंट होने वाला है पालतू, वो आपके लिए हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएगा। स्टेबिलिटी तो होगी, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ होगी वो आपके लिए हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। और जब जब आपने पार्टनर से मिलोगे, एक अलग ही लेवल की स्पिरिचुअल हीलिंग आपको मिलेगी, एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप खुद को फील करोगे, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत लॉयल होंगे आपके लिए और आप भी, ठीक है। और आप किस लिए, वो किसी से भी लड़ जाएंगे, स्टार कार्ड है तो आप भी उनको हीलिंग दोगे। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आप यहाँ पर जो भी मेल फीमेल मुझे देख रहे हैं पायलट, जिन्होंने भी चूज़ की है, आपको आपके पार्टनर बहुत हीलिंग देंगे। और जब जब आप अपने पार्टनर को देखोगे, सोल को रिलैक्स करने वाला सुकून आपको मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये शादी किसी किसी के लिए अरेंज मैरिज हो, इसलिए शायद आप, हो सकता है स्टार्टिंग में काफ़ी कंफ्यूज रहे भाई करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन आखिरकार ये रिश्ता आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। और आपने जिस तरीके का फ्यूचर स्पाउस या फिर जिस तरीके का पार्टनर आपने इमेजिन किया था, ये पार्टनर पार्ट टू के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी आपने यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है या कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। तो अपनी लाइफ में इसका खास ख्याल रखें कि आप क्या चुन रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे काफ़ी लोग जॉब एंड करियर के लिए कहीं बाहर जाएंगे, बहुत दूर, एब्रॉड, या फिर अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिले। आप दोनों कोवर्कर्स भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको ट्रैवल के दौरान एक दूसरे से मुलाकात हो, जो भी है। लेकिन हाँ, फ्यूचर स्पाउस आपके जो भी होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगे, और हीलिंग ही हीलिंग मिलेगी आपको इस इंसान से जुड़ने के बाद। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।